दोस्तों कोरोना के कारण पूरी दुनिया में समस्याएं बढ़ते जा रही हैं और ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 जो जिस प्रकार की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, अगर 15 मई से आईपीएल 2020 होता है तो यहां पर ओवरसीज प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं और ओवरसीज प्लेयर्स के ना होने के कारण आठवीं टीम की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। काफी अच्छी प्लेइंग 11 है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 रहने वाली है क्योंकि जो आठ टीम थी इनमें से कुछ टीम्स ऐसी थी जहां पर ओवरसीज प्लेयर्स का काफी ज्यादा महत्व था तो कहीं पे काफी ज्यादा महत्व नहीं था। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है आठवीं टीम्स की। तो अगर आप भी मेरी तरह एक आईपीएल फैन है, क्रिकेट फैन है तो फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और आईपीएल 2020 में आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किस टीम को आईपीएल 2020 जिताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में हमें अभी बता दें। दोस्तों हाल फिलहाल की खबर यह है कि 15 मई से आईपीएल 2020 शुरू हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर आपको बता दें 3 मई तक जो लॉकडाउन लगा हुआ है इंडिया में इसका एक्सटेंड होने का भी अभी उतने ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से 3 जोन बनाए गए हैं यानी ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, जहां पर ग्रीन जोन है यहां पर सेफ सिटीज हैं, सेफ स्टेट्स हैं और यहां पर लॉकडाउन हटने वाला है और लॉकडाउन हटेगा तो क्रिकेट भी यहां हो सकता है। आपको बता दें गुवाहाटी, गोवा, कटक ये ऐसे स्टेडियम से, ये ऐसे बड़ी सिटीज हैं जहां पर इंटरनेशनल स्टेडियम से इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं और यहां पर कोरोना के केसेस बिल्कुल भी नहीं है, कोरोना फ्री सिटीज हैं और यहां पर अगर आप आईपीएल 2020 को देखते हैं तो इजीली कंडक्ट हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से एक खबर भी सामने आई थी कि 4-5 स्टेडियम्स में जहां पर कोरोना केसेस कम है इन स्टेडियम्स में आईपीएल 2020 कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर 15 मई से आईपीएल होता है तो ओवरसीज प्लेयर्स यहां पर नहीं रहने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका 4 बड़ी कंट्रीज है, इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव प्लेयर्स पर, अपने कंट्री के प्लेयर्स पर वीजा बैन लगाकर रखा हुआ है कि ये यहां पर सितंबर के मंथ तक ये किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं यानी ये किसी और कंट्री में नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स आईपीएल 2020 का हिस्सा नहीं हो पाएंगे अगर 15th ऑफ मई से आईपीएल होता है। तो ऐसे में अगर हम प्लेइंग 11 को देखते हैं सभी टीम्स की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की कि क्या दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 रहने वाली है जहां पर सभी 11 प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स रहने वाले हैं। तो यहां पर देखने वाले हैं एज अ ओपनर शिखर धवन, पृथ्वी शॉ रहने वाले हैं। इनके बाद अगर आप देखते हैं तो अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, अमित मिश्रा, हर्षल पटेल, ईशांत शर्मा और मोहित शर्मा रहने वाले हैं। अगर आप इनकी प्लेइंग 11 को देखते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 है और कहीं ना कहीं वीक पॉइंट यहां पर नजर नहीं आ रहा है। बात करते हैं हम अगली टीम की प्लेइंग 11 की जो रहने वाली है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब की अगर आप प्लेइंग 11 को देखते हैं सभी इंडियन प्लेयर्स की तो जो रहने वाली है केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, सरफराज खान, मनदीप सिंह, ये इनका बैटिंग डिपार्टमेंट रहने वाला है। एज अ ऑलराउंडर दीपक हुड्डा, कृष्णप्पा गौतम खेलने वाले हैं, मुर्गन अश्विन एज अ स्पिनर खेलने वाले हैं। पेसर्स की बात करते हैं तो ईशान पवार, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 रहने वाली है, काफी अच्छी प्लेइंग 11 है। इनके बाद अगर हम अगली टीम की बात करते हैं जो यहां पर रहने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स, इनकी प्लेइंग 11 को अगर आप देखते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 है। इनको काफी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है क्योंकि जो इनके टॉप 4 ओवरसीज प्लेयर्स थे वो यहां पर कहीं ना कहीं इनकी बैकबोन थे और इनके जाने के बाद ये प्लेइंग 11 वीक नजर आ रही है। इनकी प्लेइंग 11 को देखते हैं तो राहुल त्रिपाठी, सुमन गिल एज अ ओपनर खेलने वाले हैं, मिडिल ऑर्डर में सिद्धेश लाड, दिनेश कार्तिक, रिंकू सिंह रहने वाले हैं, निखिल नायक रहने वाले हैं। इनके बाद बॉलर्स के तौर पर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, शिवम माबी, प्रसिद्ध कृष्णा और संदीप वारियर खेलने वाले हैं। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की, ये भी अच्छी प्लेइंग 11 है लेकिन काफी वीक प्लेइंग 11 है अगर आप किसी और टीम की प्लेइंग 11 से कंपैरिजन करते हैं। तो बात की जाए अगली टीम की प्लेइंग 11 यानी आरसीबी की प्लेइंग 11 की, आरसीबी की प्लेइंग 11 को देखते हैं तो एज अ ओपनर रहने वाले हैं पार्थो पटेल और देवदत्त पाडिकल। आपको बता दें देवदत्त पाडिकल यहां पर अभी घरेलू मैचेस में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं और जिस प्रकार से इनकी फॉर्म है और भी अच्छा करने वाले हैं। इनके बाद मिडिल ऑर्डर में रहने वाले हैं विराट कोहली, शिवम दुबे, गुरकीरत सिंह मान, पवन देशपांडे, पवन नेगी, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज। तो कहीं ना कहीं ये भी तगड़ी प्लेइंग 11 है। इनके पेसर्स अगर आप देखते हैं तो उमेश यादव, नवदीप सैनी काफी तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छी बॉल ये करने वाले हैं तो ये भी अच्छी प्लेइंग
11 है। अगली टीम की बात कर लेते हैं जो रहने वाली है यहाँ पर मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की अगर आप प्लेइंग 11 को देखते हैं जहां पर रहने वाले हैं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव एज अ ओपनर खेलने वाले हैं। इनके बाद अगर आप देखते हैं तो ईशान किशन, आदित्य तरे, सौरभ तिवारी एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर्स के तौर पर कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं। बॉलर्स के तौर पर राहुल चहर, मोहसिन खान, धवल कुलकर्णी और जसप्रीत बुमराह। तो ये भी काफी अच्छी प्लेइंग 11 है। ये अच्छी प्लेइंग 11 इसलिए है क्योंकि जो इनके कोर प्लेयर्स हैं, कोर डिपार्टमेंट है इनका, वो इनका है इंडियन डिपार्टमेंट, जहां पर हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, रोहित शर्मा, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े प्लेयर्स जो इनके पास हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स इनकी टीम में हैं और इस बात का इन्हें फायदा होने वाला है। अगली टीम की हम बात कर लेते हैं जो रहने वाली है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 को देखते हैं तो संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा एज अ ओपनर रहने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल, मनन बोहरा, रियान पराग, राहुल तेवातिया, मयंक मार्कंडे रहने वाले हैं। इनके बाद बॉलर्स के तौर पर श्रेयस गोपाल, अंकित राजपूत, जयदेव उनादकट और कार्तिक त्यागी। तो ये प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स की रहने वाली है। कार्तिक त्यागी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं और इसी बेस पर इनको आईपीएल में खरीदा गया ऑक्शन में। हालांकि ऑक्शन में पहले ही खरीद लिया गया था लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा फॉर्म है, अच्छा फायदा इनको मिलने वाला है और ओवरसीज प्लेयर्स के ना होने के कारण प्लेइंग 11 में जगह बनती है और भी अच्छा परफॉर्म ये करके दिखा सकते हैं। बात करते हैं हम अगली टीम की जो रहने वाली है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप प्लेइंग 11 को देखते हैं तो एज अ ओपनर यहाँ से रहने वाले हैं मुरली विजय, अंबती रायडू, इनके बाद रहने वाले हैं सुरेश रैना, एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, केदार जाधव। ऑलराउंडर्स के तौर पर रविंद्र जडेजा, हरभजन सिंह, केएम आसिफ, बॉलर्स के तौर पर केएम आसिफ, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर रहने वाले हैं। तो ये भी काफी अच्छी प्लेइंग 11 है और सबसे स्ट्रांग प्लेइंग 11 अगर आप देखते हैं किसी भी टीम की बिना किसी ओवरसीज प्लेयर्स के तो सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स की ही नजर आ रही है क्योंकि यहां पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इस बात का फायदा होने वाला है कि ओवरसीज प्लेयर्स अगर टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं टूर्नामेंट को अपने नाम करने के। बात करें हम आखिरी टीम की जो रहने वाली है यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 को अगर आप देखते हैं तो जहां पर रहने वाले हैं एज अ ओपनर श्रीवत्स गोस्वामी, रिद्धिमान साहा रहने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग रहने वाले हैं। इनके बाद अगर आप देखते हैं तो संजय यादव, शहबाज नदीम, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल और भुवनेश्वर कुमार। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 है और अच्छी प्लेइंग 11 नजर आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहने वाली है आठवीं टीम की प्लेइंग 11 बिना किसी ओवरसीज प्लेयर्स के, काफी इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 रहने वाली है। अगर आईपीएल 15 में से होता है तो ओवरसीज प्लेयर्स यहां पर नहीं शामिल होने वाले हैं और इन्हीं टीम के साथ, इन्हीं प्लेइंग 11 के साथ आपको आईपीएल मैचेस होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको किस टीम की प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या कोलकाता नाइट राइडर्स? अपनी ओपिनियन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।